विनय कटियार हमारे साथ हैं फोन पर। मुफ्ती जी, गोइंग अक्रॉस टू विनय कटियार। विनय कटियार जी नमस्कार। नमस्कार जी। अभी थोड़ी देर पहले रामविलास वेदांती ने वहां कोर्ट के बाहर ये कह डाला कि उस ढांचे को तोड़ने का आदेश उन्होंने दिया था। अब वो रामविलास वेदांती ने क्या कहा वो जाने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सारे राम भक्त आए थे, लाखों की संख्या में राम भक्त थे, तो किसने क्या किया किसको क्या मालूम। श्रेय लेने की बात वो अलग है, कोई किसी की बात वहां मान रहा था। पर वो कह रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी जी, लालकृष्ण अडवाणी जी तो सबसे कह रहे थे कि आप नीचे से, आप ढांचे से उतर जाइए, खंडर से उतर जाइए, इसको 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 नुकसान हानि मत पहुंचाइए, आप उतर जाइए, पर मैंने कहा उसको तोड़ दो। अब ये कहा है, अब कोर्ट के ठीक बाहर ये कह रहे हैं रामविलास वेदांती, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं वेदांती जी ने क्या कहा मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा, लेकिन सारी बातें गलत हैं। वहां पर कोई बाबरी ढांचा था भी नहीं, वहां तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में राम मंदिर था, जो जिसको जिसको लोगों ने हटाया। लाखों कार सेवक थे, प्रसाद के रूप में एक एक ईंट लेकर के चले गए, वहां कुछ बचा ही नहीं। और मस्जिद होती तो ईंट क्यों ले जाते? पर अब मस्जिद की ईंट की तो कोई पवित्र कुथना होती है, तो राम मंदिर था तो उसका ढांचा भी, उसकी मिट्टी भी सब पवित्र है, तो लोग ले गए, कहाँ कहाँ ले गए मालूम नहीं चला। विनय जी, 25 साल लगे हैं चार्जेस फ्रेम होने में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, जिनको लगा कि तथ्य है इसमें, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बनता है, वो केस आप पर भी लगा है। जो कुछ हो रहा था सब मरकरी जंग था, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कुछ नहीं था, किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं, ये सब बेकार की बात है। तो आपके पास, आपको पार्टी का समर्थन है इसमें, जो जो घटनाएं घटी हैं जिस पर, जो और इस पर आपको क्या लगता है कि भाजपा को हानि होगी कि फायदा होगा? इससे पार्टी से क्या मतलब हो, भाजपा से क्या मतलब, राम भक्त मतलब है, सही है। पर इसका तो सीधा सीधा पार्टी से ही पूरा जुड़ता है बात, वहीं आके सब कुछ पार्टी पर ही आके रुकती है। 2019 का चुनाव क्या मंदिर पर लड़ा जाएगा? उसका जो अर्थ है लगाना है लगाते रहे, स्वतंत्र है, लेकिन बाकी कुछ नहीं। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा, अब आप क्या करेंगे आगे? अगला कदम क्या होगा, अदालत में केस लड़ेंगे और क्या करेंगे। पर आपका भी मानना है कि आपको लगता है कि सीबीआई ने जो चार्ज लगाया है आप पर, इसको वो कोर्ट में प्रूव कर सकेगी? वो चार्ज जो लगाया है सब गलत है। पर ऐसा क्यों है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि ऐसा सब जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि अडवाणी जी या राष्ट्रपति बनना चाहते थे, अब उनके उनके चांसेस को अब ठेस लग गई है, इसलिए ये सब करवाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? अब ये मुझे नहीं मालूम कहां से बात आ गई। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, कुछ नहीं, कांग्रेस किसी बूटी पार्टी हो गई है, खत्म हो गई है, उसका वजूद नहीं रहा। ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के रामविलास वेदांती ने बाहर आके ये कहा कि देखिए, मैंने आदेश दिया था इसको तोड़वाने के लिए, ताकि मार्गदर्शकों को साफ कर दिया जाए, लेकिन भाजपा का एजेंडा चलता रहे कि मंदिर बनेगा, रामलला वहीं विराजमान होंगे? उनके मार्गदर्शक कौन मानता था उन्हें? पर आपको नहीं लगता कि अब मंदिर सबसे सेंट्रल मुद्दा हो जाएगा 2019 पर? नहीं, चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पर अभी तो वो बाहर आके ये कह के गए कि 6 दिसंबर 2018 के बाद से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, और मई 2019 में इलेक्शन है। अब देखते रहो क्या होता है। पर आप धन्यवाद विनय कटियार जी। जी ठीक है, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।